ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे पोस्टल बैंक के बारे में, जहाँ पे आप 100 रुपये में अकाउंट खुलवाकर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। इंडियन पोस्ट ने पेमेंट कारोबार शुरू कर दिया है। अब आप अपने पास में सिर्फ पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 100 रुपये खर्च करके बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही पोस्टल बैंक सेविंग अकाउंट पर 5.5% तक इंटरेस्ट रेट है, जो कि मौजूदा कई बैंकों से कहीं ज़्यादा है। ये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि डाकघरों के नेटवर्क से हर घर के दरवाजे तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचेगी। वित्त मंत्रालय ने संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ रायपुर और रांची के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाओं की रिमोट से शुरुआत की है। डाकघर हर घर को जोड़ता है, वे हर घर तक बैंकिंग गतिविधि को पहुंचा सकते हैं। बैंकिंग आपके दरवाजे तक पहुंचेगी, डाकघरों का नेटवर्क इसे हकीकत में बदलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक की घोषणा 2015 में की थी, जिसका असर अब देखने को मिला है। टेलीफोन कंपनियों के स्टोर पेमेंट बैंक के रूप में काम करेंगे। देश के डाकघर बैंक की शाखाओं में बदल जाएंगे। फिलहाल 3 तरह के अकाउंट खोला जा रहा है, जो सफल, सुगम और सरल कैटेगरी में है। इन तीनों अकाउंट को खोलने के लिए आपको केवल 100 रुपये खर्च करने हैं। साथ ही बैंक अकाउंट की खास बात यह है कि मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट नहीं है। आप 100 रुपये में अकाउंट खोलने के बाद 0 बैलेंस में भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। मौजूदा समय में देश के ज़्यादातर प्रमुख बैंक सेविंग बैंक अकाउंट पर 4% की दर से ब्याज दे रहे हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट पर 4% ही इंटरेस्ट रेट देता है, पर पोस्टल बैंक तीनों सेविंग अकाउंट पर 5.5% तक इंटरेस्ट रेट देगा। सरल अकाउंट में आप अधिकतम 50,000 रुपये और बाकी 2 सेविंग अकाउंट में आप 1 लाख रुपये तक अधिकतम रख सकते हैं। पोस्टल बैंक एक नई तरह की भी सर्विस शुरू कर रहा है, जिसमें आप घर बैठे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने और निकालने और पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा आपको घर पे ही बैठे बैठे दिया जाएगा। इसके लिए आपको 15 रुपये से लेकर 35 रुपये तक खर्च करने होंगे। इसके बाद बैंक से जुड़ा अधिकारी आपके घर सर्विस देने पहुंच जाएगा। इसके लिए बैंक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़े 3 लाख पोस्टमैन की सर्विस लेने की तैयारी कर रहा है। ATM और ये सर्विसेज फ्री रहेंगे। बैंक के कस्टमर को ATM लेने के लिए अपने किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसी तरह मोबाइल अलर्ट के लिए भी बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा। अभी ज़्यादातर बैंक 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक SMS अलर्ट के लिए चार्ज लेते हैं। इस तरह क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पोस्टल बैंक ATM से अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा। बैंक का देश में 1,000 ATM लगाने का प्लान है। मेरे ख्याल से सितंबर तक जो प्लानिंग उनकी चल रही है, कुछ 650 से 700 ब्रांच खोलने की योजना चल रही है। इंडिया पोस्ट ने पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 1 फरवरी को रांची और रायपुर में पायलट सर्विस के रूप में लॉन्च भी कर दिया है, जिसका सितंबर 2017 तक देश भर में 650 ब्रांचेस खोली जाएगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।